आज वीडियो में क्या बनाए, क्या आपके पास कोई कंटेंट है भाई? कंटेंट मिलेगा क्या भाई? कंटेंट होगा क्या आपके पास? हाँ हेलो भाई, कंटेंट मिलेगा क्या आपके पास? कल दे दूंगा भाई, आज दे दे यार। हेलो नमस्कार, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल राकेश मिश्रा ब्लॉग। दोस्तों, अगर आपका भी एक ब्लॉगिंग चैनल है तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर आता होगा कि डेली कंटेंट क्या बनाएं, डेली ब्लॉग में क्या डालें। तो ऐसा नहीं है कि आप डेली तो स्टेडियम जाओगे नहीं, डेली नई नई जगह पर जाओगे नहीं, तो आखिर में आपको वीडियो क्या बनाना है डेली, आखिर कंटेंट कहाँ से मिलेगा? तो इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपके ब्लॉगिंग चैनल, यानी कि अगर आप ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियो बनाते हो तो आपका चैनल जो है, अगर वो तीन टिप्स अगर आप अप्लाई करते हो अपने वीडियो में तो आपका चैनल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपका चैनल जो है धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, एकदम बिना इसकी किए। तो चलिए वो तीन टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो टिप्स है वो ये है, तो ये है पहला टिप्स जो आपको सबसे पहले करना है। आपको अपने वीडियो में सबसे पहले एंगल चेंज करते रहना है। अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो अपने वीडियो में हमेशा एंगल चेंज करते रहो। अब देखो, आप एक ही जगह पे बैठ के बकबक करते रह जाओगे तो पब्लिक भी बोर हो जाएगी। अब मैं बकबक जो कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बकबक नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एंगल चेंज करना है। हर एक वीडियो में आप एंगल चेंज करते रहिए, एक ही जगह पर बैठ के वीडियो मत बनाइए। अब सेकंड टिप की बात करते हैं। सेकंड टिप्स में आपको जो है अपने वीडियो में कुछ क्रिएटिविटी दिखाना है। अब क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ तोड़ फोड़ करने लग जाओ। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि अपने वीडियो में कुछ ऐसा चीज़ करना, ऐसा यूनिक चीज़ करना जिस आपके पब्लिक जो है आपके वीडियो को देखे, लास्ट तक देखे और अटैच हो जाए आपके वीडियो को देखते ही, और आपके विशाल एक वीडियो के चलते सारा वीडियो देखना स्टार्ट कर दे। ऐसा चीज़ कुछ करना है अपने वीडियो में। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हेलो दोस्तों, ये है मेरा घर और इसके बगल में देखिए कितना जंगल आया हुआ है। ये है आम जिंदगी। और ये है मिंटोस जिंदगी। अब तीसरी टिप्स में आपको क्या करना है, चलिए बताते हैं आपको तीसरी टिप्स में आपको क्या करना है। अब तीसरी टिप्स में आपको अपने बारे में बताना है, अपना अनुभव बताना है कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आप वो करके आपको मतलब कैसा लगता है, मतलब क्या अनुभव किए हो वो करने के साथ साथ कोई काम कर रहे हो, तो अपना कहानी बताना है और अगल बगल जो भी चीज़ होती है उसके बारे में बताना है। तो ये तीन टिप्स अगर आप अप्लाई करते हो अपने वीडियो में तो आपका वीडियो जो है धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, आपका चैनल भी साथ ही साथ धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। तो दोस्तों, ये तीन चीज़ें जो आपको वीडियो में अप्लाई करना है, ये तीन चीज़ अगर आप अपने वीडियो में अप्लाई करते हो तो आपका वीडियो धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा, आपका वीडियो जो है पब्लिक लास्ट तक देखेंगे। अगर ये चीज़ें तीन चीज़ें अप्लाई करते हो वीडियो में, देखो एक एक चीज़ होता है कि अगर आप अपने वीडियो में कुछ यूनिक सा डालते हो तो आपके सब्सक्राइबर जो हैं वो पसंद करते हैं आपके वीडियो को देखना, अटैच हो जाते हैं आपके वीडियो से और लास्ट तक देखते हैं उसी वीडियो को। अगर ये चीज़ें करते हो, कुछ अलग करते हो अपने वीडियो में, तो आपके वीडियो को लोग ज़रूर देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।